बालों को तेजी से लंबा और घना कर देगा ये सस्ता और अच्छा उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, तेज धूप, प्रदूषण और खराब दिनचर्या से बालों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इससे हेयर टूटने, झड़ने और दो मुहे होने लगते हैं, जिसके कारण बाल की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे में आपको समझ नहीं आता कि खराब हो गई बालों की सेहत के लिए कैसे सुधार करें। जी हाँ दोस्तों, बाल इंसान के शरीर का अहम हिस्सा होता है और बात अगर महिलाओं की हो तो उन्हें अपने बालों से काफ़ी प्रेम होता है। जी हाँ दोस्तों, हर महिला चाहती है कि उनके बाल लंबे, घने, काले और मजबूत हों, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। कुछ महिलाओं के पास बाल काफ़ी पतले होते हैं। बालों को घना करने के लिए वे महिलाएं बाजार के कई प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करती हैं, जिससे बालों को नुकसान ही होता है क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। लेकिन आज जो तरीका हम आपको बताएंगे उससे आपके बाल 100% गारंटी के साथ लंबे और घने हो जाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, दोस्तों स्किन केयर में गुलाब जल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है और हेयर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बालों का रूखापन दूर करने के लिए गुलाब जल का उपयोग सबसे अच्छा प्राकृतिक उपाय है। शैम्पू में गुलाब जल मिलाना बहुत ही आसान है। बाल धोने से पहले शैम्पू में गुलाब जल के साथ है मिलाकर पेस्ट बनाकर लगाना चाहिए। हेयर फॉल्स रोकने के साथ साथ गुलाब जल बालों को लंबा घना करने में मदद करते हैं। जो लोग बार बार डैंड्रफ से परेशान होते हैं उनके लिए भी गुलाब जल बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर दो, दोस्तों बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है कि हेयर शैम्पू में ज़्यादा ध्यान हेयर कंडीशनर पर दिया जाए। जी दोस्तों, जब आप रोज़ अपने बालों को धोना पसंद करते हैं तब इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि रोज़ शैम्पू बिल्कुल भी ना करें, लेकिन बालों को धोकर आप कंडीशनर का इस्तेमाल हमेशा करें। इससे बालों को धोने के बाद आने वाला सूखापन नहीं आएगा। जी दोस्तों, इससे न सिर्फ आपको हेयर फॉल्स कंट्रोल करने में मदद मिलेगी बल्कि हेयर ग्रोथ भी तेजी से होगी। नंबर तीन, दोस्तों जिनके बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं उनके लिए लेवेंडर ऑयल बहुत ही फायदेमंद होता है। सर्दियों के मौसम में भी लेवेंडर ऑयल को शैम्पू में मिलाकर लगाना बालों को तेज करने में मदद करता है। बालों को धोने से पहले शैम्पू में लेवेंडर ऑयल की सिर्फ 4 से 5 बूंदें ही काफ़ी हैं। नंबर चार, अगर आप बालों में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो कभी भी प्रोटीन की ताकत को कम करके न आंकें। जी दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा ग्रूमिंग रूटीन फॉलो करते हैं, जब तक आप सही मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन नहीं करते हैं आप कभी भी बालों को अच्छी ग्रोथ देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। नंबर पाँच, दोस्तों बालों की देखभाल के लिए नींबू का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ की समस्या को दूर करने के लिए लाभदायक होता है। बालों की ठीक से सफाई करने के लिए शैम्पू में नींबू का रस मिलाकर लगाना चाहिए। बालों को बढ़ाने के लिए शैम्पू में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर लगाना फायदेमंद होता है।